सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। आज हाँ टेस्ट हो सकता था, बट आज मैंने टेस्ट जानबूझकर नहीं लिया क्योंकि अभी उतने सब्जेक्ट तैयार नहीं हुए इस बार टेस्ट के हिसाब से। तो लेकिन नेक्स्ट मंडे जरूर टेस्ट होगा आपका, क्योंकि अभी एनवायरमेंट कवर हो गया, आज हाईवे हो जाएगा, दो तीन सब्जेक्ट और हो जाएंगे, तो नेक्स्ट मंडे आपका टेस्ट जरूर होगा। आज टेस्ट नहीं होगा, आज हाईवे के ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो सब कुछ ओके है तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को कर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लॉकडाउन लग गया, अभी तो इधर कुछ जगह का सुना था, इधर का क्या सीन है पता नहीं, अभी न्यूज देखी नहीं, समय नहीं मिला आज। सर एनवायरमेंट का लास्ट वाला रह गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जब नेक्स्ट सेशन होगा तो सारे सब्जेक्ट को रिवर्स साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सारे सब्जेक्ट को रिवर्स साइड से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हाईवे का भी अभी पेवमेंट वाला पार्ट रह जाएगा, आज केवल ट्रैफिक इंजीनियरिंग तक का हो पाएगा, तो नेक्स्ट टाइम रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। तो जब रिवर्स प्रोसेस से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है, कवर सब होगा, कवर सब होगा। वाराणसी में लॉकडाउन, ओके, आज से 29 तक क्या फुल यूपी में लॉकडाउन है या कहाँ कहाँ लॉकडाउन है? प्रयाग, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और बनारस में 26 अप्रैल तक, ओके। चलिए, लेकिन स्थिति सच में भयावह है, आप लोग सभी ध्यान रखिए। अभी तक मैं भी 50-50 चल रहा था कोरोना को लेकर कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर होली पर 4 फ्रेंड्स मिले थे, हम लोग 4 फ्रेंड थे, 4 में से 3 फैमिली, 3 मेरे 3 फ्रेंड्स को और उनकी फैमिली को कोरोना हो चुका है, जिनमें से एक बहुत हाईली क्रिटिकल स्टेट में पहुंच चुका था, बस वो किसी तरीके से बचा है। एक मेरा दूसरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ और उसका 7-8 साल का बेटा, उसको तीनों को कोरोना हो गया, मतलब 4 में से बस मेरे को नहीं हुआ, ठीक है, आप लोगों की दुआओं से। बट ठीक है, उधर जो ब्रजेश यादव जी हैं, है ना, लेक्चर्स में आते हैं, आप लोग जानते हैं, उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है, वो दिल्ली में थे, ठीक है, तो दिल्ली में उनको कोरोना हुआ, वहाँ कोई टेक केयर करने के लिए नहीं था, वो इलाहाबाद गए, इलाहाबाद पहुँचते ही उनकी डेथ हो गई कोरोना की वजह से। तो आप लोग बहुत ध्यान से रहिए, इसको मजाक मत समझिए, लोग मतलब होता है कि ना, काफ़ी लोग इस पर शक भी कर रहे हैं कि पता नहीं है या नहीं है, क्या है। इधर अपने कुछ स्टूडेंट है, जैसे नितिल है लखनऊ में, उसको हो चुका है, एक निशिकांत हैं वो हॉस्पिटल में हैं, नितिल लखनऊ में हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिटेड हैं ऑलरेडी, मतलब कोरोना की वजह से, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, जितना भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ध्रुव ठीक है, अभी आज उसके टेस्ट वगैरह नहीं हो पाए, टेस्ट वगैरह कल होंगे तो एग्जैक्टली रिपोर्ट्स आ पाएंगी। आज पूरा दिन हमने भाग दौड़ तो की उसको लेके, बट आज कुछ नतीजा नहीं निकल पाया, ठीक है। तो हाँ, तो यार वही है कि जान है तो जहान है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो टफ टाइम है और ये सब हुआ लोगों की वजह से ही है, सब लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए एकदम से। आप कितना पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको कितना भी आप कोसते रहो, कुछ करते रहो, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अभी जब कुछ दिन पहले तक लोग निकल रहे थे तो क्या हो रहा था, कोई मास्क नहीं पहन रहा था, सब लोग केयरलेस हो गए थे, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात करूं तो हम लोग एक तरीके से कोरोना के एग्जिस्टेंस पर ये सवाल उठा रहे थे कि पता नहीं है भी या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो एक ये भी वजह है, अभी तक क्या था कि थोड़ा सा डर बना हुआ था, वो जैसे डर खत्म हुआ वैसे ही लोग लापरवाह हुए और सब कुछ हो गया। हाँ, तो बिल्कुल भी इसको मजाक में लेने की कोशिश, गलती ना करें, ठीक है। चलिए फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। डिटरमाइन द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। तो डिजाइन स्पीड आपको दे रखी है 14 मीटर पर सेकेंड की फॉर टू वे ट्रैफिक। ये शब्द आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है कि टू वे ट्रैफिक ऑन अ टू लेन रोड,
assuming the coefficient of friction as 0.28, ठीक है, और रिएक्शन टाइम भी आपको दे रखा है 2 सेकंड का। तो यार देखो, अगर सब कुछ मीटर पर सेकंड में ही है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। एसएसडी का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, सीधे सीधे एसएसडी का फॉर्मूला लगाओगे आप, वी टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, और आपका आंसर आ भी रहा है 63.67 मीटर। अभी सवाल अच्छा हो जाता अगर यहां पर एक ऑप्शन 63.67 अगर इसकी जगह पर इसका डबल होता, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके होता, अराउंड कितना 127 के आसपास ना, तो आंसर और मतलब क्वेश्चन अच्छा बन जाता, लेकिन वो है नहीं यहां पर, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये सिंगल लेन और टू वे ट्रैफिक होता, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक होता, तो हमें क्या करना पड़ता एक्चुअल में, ये जो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बेसिकली ये साइड डिस्टेंस नहीं होती, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये बेसिकली कंबाइन होकर क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस एसएसडी में मतलब कन्वर्ट होती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है, कि जैसे अगर सिंगल लेन है तो इसको ये यहां तक रुक जाए और ये यहां तक रुक जाए, तो ये इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है, दोनों को ऐड कर देंगे तो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसी में ये था कि अगर यहां पर स्पीड आपकी किस में होती, KMPH में होती, तो SSD का फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप, 0.278 VT प्लस कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 254 F प्लस माइनस N बाई 100, ठीक है। अब यहां पर ग्रेडियंट तो है नहीं, तो इसको तो कंसीडर करेंगे, तो आप ये इक्वेशन यूज यहां पे कर सकते थे, हाँ, लेकिन यहां पर ये है कि ये भी बिल्कुल बात सही है कि बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करने में दिक्कत आपको, मतलब एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ए सी बहुत क्लोज है, हालांकि बी भी क्लोज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ एज पर IRC रिकमेंडेशंस फॉर स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस है 30 KMPH। अब ये IRC की रिकमेंडेशन से है, अब ये IRC की रिकमेंडेशन से है, यहां पर आपको कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो या तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 30 KMPH के लिए F की वैल्यू आपको मालूम, आप कितना ले सकते हो, 0.4 ले सकते हो, ठीक है, या तो आप इसे सॉल्व करो, नहीं तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, नहीं तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि 20 के लिए 20, 25 के लिए 25 और 30 के लिए 30, यहां तक तो आपकी कहानी सेफ है, यहां तक की कहानी सेफ है, ये तो बिल्कुल याद रहेगा। 30 तक तो जितनी स्पीड उतना आपका SSD, उसके आगे 40 के लिए फिर 45, 50 के लिए 60, 60 के लिए 80, 65 के लिए 90, 80 के लिए 120, 100 के लिए 180। तो यहां से यहां तक देखा जाए तो अगर स्पीड यहां पर कितनी 10-10 के रेशियो में है ना, तो यहां पर कितना हो रहा है आपके पास, प्लस 15 हो रहा है, यहां से यहां तक फिर प्लस 15 हो रहा है, फिर यहां तक आके प्लस 20 हो रहा है, फिर प्लस 10 है, प्लस 30 है, वैसे कोई लॉजिकल सीक्वेंस बन नहीं रही, कोई लॉजिकल सीक्वेंस बन नहीं रही, तो या तो आपको वही है, 2-3 बार इस टेबल को आप, जब जैसा मैंने आपको बताया कि आप एक कॉपी बनाएंगे और उसके अंदर जैसी ऐसी कोई भी टेबल वगैरह है तो उनका आप नोट कर लेंगे, तो टेबल बना लीजिएगा, 2-3 बार इसे आप देखोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है, ये टेबल आपकी क्या रहेगी, याद हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इतनी बार तो मैं ही ये क्वेश्चन करा दूंगा कि वैसे याद हो जाएगा। अच्छा, मनमोहन सिंह जी को भी हो गया है क्या,
ठीक है भाई। सो लैग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये जो PIEB टाइम होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। यही हमारा रिएक्शन टाइम होता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीकल मूविंग एट 40 km/h स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एंड द लेंथ ऑफ स्किड मार्क वॉज 12.2 meters। इफ द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस इज 0.7 देन ब्रेक एफिशियंसी इज, ब्रेक एफिशिएंसी इज, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जब हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं 0.278 VT प्लस V स्क्वायर अपॉन 254 F, तो बच्चे ये जो डिस्टेंस होती है ये बेसिकली क्या होती है, ब्रेक डिस्टेंस होती है। दिस इज व्हाट, ब्रेक डिस्टेंस। तो जब ब्रेक लगते हैं तो स्किड, ठीक है, स्किड मार्क्स पढ़ते हैं। तो स्किड मार्क्स के लिए हम लोग L को लिख सकते हैं कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 254 F। तो यहां से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज जो एक्चुअल फ्रिक्शन जो मोबिलाइज होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो यहां से F की वैल्यू आ जाएगी आपके पास V स्क्वायर अपॉन 254 L। यहां से F की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है, F की वैल्यू। अब एफिशिएंसी क्या होती है, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू जाएगा ईटा एफिशिएंसी इनटू जो भी आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, एवरेज फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है। ये आप यहां से भी एफिशिएंसी जो है वो निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, तो यहां से कितनी आ रही है वैल्यू जल्दी बताइए, ये वैल्यू कितनी आ रही है, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, कितना 40 की स्पीड है, जीरो पॉइंट 516 आ रहा होगा, तो 0.516 अपॉन 0.7 इंटू 100 ये आप कर लेंगे, 73.76 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेलकम बैक शशांक। शशांक अब क्या हाल है घर पर सबके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यूज ऑफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन डिजायरेबल अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल है बाद में लेटरल है, तो आंसर क्या होगा आपके पास, 0.35 एंड 0.15। वेरी गुड। अगला सवाल, IRC रिकमेंडेशन फॉर मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल इज, बढ़िया, ठीक है, तो कितना होता है 2.44 meters, ठीक है 2.44 meters। ये कुछ अदर रिकमेंडेशंस आप याद कर सकते हैं, लेंथ 10.6 meters, विड्थ 2.44 meters, हाइट 3.8 meters, हाइट ऑफ डबल डेकर बस 4.72 meters। अगला सवाल, हाँ भैया अटेंडेंस लगाते रहिएगा अपने, लाइक शेयर सब्सक्राइब चालू रहना चाहिए।
एज पर IRC द डिजाइन स्पीड रूलिंग एंड मिनिमम ऑन अ नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, तो आपको मालूम है कि 100 KMPH के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम पैरामीटर सारे 100 के लिए, जहां 100 के लिए पॉसिबल ना हो वहां कम से कम 80 के लिए तो आपको डिजाइन करना ही पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। बालक इसमें रिकमेंडेशंस में ना और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, एग्जैक्ट रिकमेंडेशंस के लिए बस मैंने इसको इसलिए लिख दिया यहां पर। आप क्या कीजिए, नोट्स फॉलो कीजिए, मतलब अदर रिकमेंडेशंस भी होती हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली का क्या कॉम्बिनेशन है, उस तरीके से बहुत सारे केसेस बनते हैं, इसीलिए जनरली विड्थ का ही क्वेश्चन आता है, लेंथ वगैरह का क्वेश्चन नहीं आता है। एक डबल डेकर की हाइट वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है, जहां हाइट पर कंफ्यूजन नहीं है, जहां बहुत सारी सब कैटेगरी होती है उनको नहीं करो आप, लेकिन बाकी को करो, तो बहुत सारी सब कैटेगरीज उसके अंदर होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेरेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, तो क्रॉस स्लोप क्या होता है कि मान लीजिए जो रोड का अलाइनमेंट यह है, तो रोड के ट्रांसवर्स साइड में जो आपका स्लोप होगा, ट्रांसवर्स स्लोप, ठीक है, इसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे टेरेन डिफाइंड होता है, टेरेन डिफाइंड होता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, रोलिंग टेरेन, ठीक है, तो ए नहीं होगा, जिनका आंसर ए आ रहा है, बी वालों का बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। देखो तो इसके लिए ये वाली टेबल आप बना लेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि कई बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पर। प्लेन के लिए 0 से 10 होता है क्रॉस स्लोप, रोलिंग के लिए 10 से 25, माउंटेनियस के लिए 25 से 60, और स्टीप के लिए मोर देन 60। इतनी सारी टेबल, इतना सारा डेटा होता है, सब खिचड़ी पक जाती है, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा एक कॉपी में अलग अलग सेपरेट हो तो आप इसको फ्रिक्वेंटली याद कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या होता है, जब हम लोग पूरी कॉपी लेकर याद करने या रिवाइज करने बैठते हैं ना, तो हम सब कुछ एक तरफ से रिवाइज करने लग जाते हैं, जबकि कुछ डेटा ऐसा होता है जो फ्रीक्वेंटली रिवाइज होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली। तो जिन चीजों को भूलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिनमें डेटा ज्यादा होता है, उनको हमें, उनको क्या करना है, जल्दी याद कर, मतलब जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो ये सारी टेबल वगैरह आप वहां पर बना सकते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, ठीक है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर अ सिंगल लेन एज पर IRC इज, सिंगल लेन के लिए कैरिज वे, एग्जाम सेंटर सर UPPSC AE में नहीं हुआ, आप बताओ क्या करें। थोड़ा समय वेट कीजिए, मैं इस पर भी कुछ सेशंस लाने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। आंसर क्या है इसका, बी है 3.75। तो अगेन देखिए, आपके लिए फिर से एक टेबल है, ठीक है, सिंगल लेन कैरिज वे क्या होता है, जितने रास्ते पर गाड़ी को चलना होता है, तो सिंगल लेन रोड है तो 3.75 मीटर फॉर ऑल रोड्स, टू लेन्स विदाउट रेज्ड कर्व्स, कर्व्स क्या होती है, बाउंड्री होती है, पेवमेंट है, तो ये कर्व रेज्ड कर्व होता है, तो क्या होता है, गाड़ी का पहिया इसके ऊपर नहीं आ सकता, इतने में चलेगा। और विदाउट रेज्ड कर्व में क्या होता है कि इमरजेंसी में गाड़ी का पहिया जो है वो यहां साइड में आ सकता है, तो टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व में 7 मीटर, रेज्ड कर्व नहीं है तो पहिया इधर आ सकता है, तो एक्स्ट्रा विड्थ यूज कर सकता है, लेकिन अगर रेज्ड कर्व है तो 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरिज वे 5.5 मीटर, मल्टी लेन पेवमेंट 3.5 मीटर पर लेन, ठीक है। अभी 2-4 दिन पहले अभी प्रांशु का इंटरव्यू हुआ था, आपने देखा होगा, प्रांशु भी यही सोचता कि अरे यार इस साल तो मेरी रैंक अच्छी नहीं आई, अब क्या करूं, है ना, बैठ जाता घर पे, तो निकाल लेता UPPSC में PWD इंजीनियरिंग सर्विसेज 8 में ऑल इंडिया रैंक। बेटा विनर्स की तरह सोचो, विनर्स की तरह, ठीक है, एटीट्यूड विनर्स का होगा तो एक दिन जीत ही जाओगे।
आपको मालूम है सौरव गांगुली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन एंड बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम, वो पहली बार उसको इंडिया की टीम में 1992 में लिया गया था, आप पढ़कर देखना, 1992 में वो बाहर एक दौरे पर गया खेलने, लेकिन विदाउट इवन अ सिंगल मैच खिलाए, वो एक सिंगल मैच भी नहीं खेल पाया और इंडिया की टीम से आउट। 1996, 4 साल लगे दोबारा से इंडिया की टीम में आने के बाद, और उसके बाद आप जानते हो क्या हुआ, राइट? ठीक है, तो अब वो कहो यार इस बार टीम से निकल गए, अब पता नहीं नंबर आएगा नहीं, अगले साल नहीं नंबर आया, फिर उसके अगले साल नंबर नहीं आया, फिर उसके अगले साल नंबर नहीं आया, बल्ला टांग कर और फिर छोड़ देते कि रहने दो भैया अब तो कुछ ना होगा, तो हो जाता। ठीक है, तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी खासियत है दे आर मेंटली टफ। मेंटल टफनेस बहुत जरूरी होती है, वो एक आध हार से फेलियर से घबराते नहीं है, टूटते नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, अभी मैं कल एक ऐसे एक वाईजू का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी आकाश कोचिंग जो वाईजू से जने कितना पुराना इंस्टीट्यूट है, आकाश आईआईटी नीट के लिए वाईजू ने आकाश को खरीदा। आप जानते हो जहां आज वाईजू है वहां आने में उसको 10 साल लगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। What is the ruling design speed in plain terrain for state highway? ठीक है, ठीक है, ruling design plain terrain के लिए कितना होगा? 100 kmph, 100 kmph। तो अगेन एक और टेबल आपके लिए आ गई। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को देखिए लिया क्यों गया। ठीक है, तो देखिए नेशनल एंड स्टेट हाईवे, ये डेटा तो सभी को याद होता है कि प्लेन रोड के लिए जनरल और मिनिमम, लेकिन अगर ये सवाल पूछा गया तो हमेशा यही पूछे, जरूरी नहीं है। आईएम से पढ़ा नहीं है, आईएम में टॉप किया था बट एडमिशन नहीं लिया, आईएम के कैट में टॉप किया था बट एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, चलो देखो अब यहां पर आप क्या हिली रोड के लिए अगर पूछ ले तो इन वैल्यूज को आधा कर दो, प्लेन रोड में इतना है, अगर हिली में पूछता है तो इन वैल्यू को हाफ कर दो, 100 का 50, 80 का 40। ठीक है, ये यहां हो गया। फिर अगर आपसे एमडीआर का पूछ ले, एमडीआर का, तो ये वैल्यू यहां आ जाती है। ठीक है, प्लेन रोड की जो मिनिमम होती है वो इसके लिए रूलिंग हो जाती है 80। एंड देन दिस वैल्यू इज 65, फिर ये वैल्यू हाफ, ये 30। ठीक है, देन ये वैल्यू 65 अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए, 65 यहां आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 65 से 15 कम 50, और फिर 50 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से टेबल जो है वो कर सकते हो। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब विलेज का पूछोगे। अच्छा, और विलेज की वैल्यू फिर क्या हो गई, देखो नेशनल वाले की आधी हो गई। कितना अच्छा तरीका याद करने का, 100 का आधा 50, 80 का आधा 40, है ना, समझ रहे हो? तो ये टेबल अगर इस तरह से थोड़ा सा पढ़ोगे तो याद हो जाएगी आपको, याद हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछ लेता है डिजाइन स्पीड के बारे में, जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार कुछ नया सीखने को, मतलब कुछ नए ऑब्जर्वेशन होते हैं। जब लास्ट टाइम क्वेश्चन किया होगा तो इसको इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया होगा, है ना। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैम्बर दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम पेवमेंट सरफेस इन एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा 1 in 30। वैसे 1 in वाटर बाउंड है ना, हाँ 1 in 33 होता है, 1 in 33 होता है, तो आप उसे 3% या 1 in 30 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा अगेन, कॉन्क्रीट और थिक विटुमिनस के लिए, कॉन्क्रीट एंड थिक विटुमन
थिक बिटुमेन के लिए अगर हैवी रेनफॉल है, अगर हैवी रेनफॉल है तो 1 in 50, 1 in 50 मतलब 2%, 50 में 1 तो 100 में कितना, 2, ठीक है। लाइट रेनफॉल 1 in 60 यानी कि 1.7%। थिन विटुमिनस इसके लिए 1 in 40, हैवी रेनफॉल में 1 in 40 यानी कि 2.5%, यहां पर 1 in 50 यानी कि 2%। देन वाटर बाउंड और ग्रेवल रोड तो 1 in 33 या 3%, ठीक है। और लाइट रेनफॉल में 2.5%, 1 in 40। कच्ची सड़क के लिए 1 in 25, 4, यहां पर 3%। तो आप देख रहे हो यहां पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कंक्रीट रोड का हैवी रेनफॉल विटुमिनस का लाइट वाले में चाहिए, ठीक है। वाटर बाउंड का हैवी वाला कंक्रीट इसमें मिनिमम इसमें चाहिए, तो इसके लिए 3 से 4%, 2.5 से 3%, 2 से 2.5% और 1.7 से 2%। क्या हुआ, इतनी हंसी क्यों आ रही है, कोई गड़बड़ हुई क्या, समथिंग इज रॉन्ग। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, सही है ना। सही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलिए अगला सवाल। हाँ, जस्ट मूव डायगोनली। चलिए अगला सवाल। व्हाट इज द रिकमेंडेड शेप, व्हाट इज रिकमेंडेड शेप ऑफ कैम्बर। क्या आंसर होगा इसका, सी होगा, स्ट्रेट एट एजेस एंड पैराबोलिक इन मिडल। इसका आंसर ए क्यों दे रहे हो भाई, इसका आंसर कौन ये दे रहा है, वी क्यों नहीं, पैराबोलिक। देखो भैया ऐसा होता है कि ड्रेनेज के हिसाब से हम देना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ताकि जैसे ही बारिश हो, जैसे ही बारिश हो पानी इधर चला जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जो हाई स्पीड व्हीकल होते थे, जो हाई स्पीड व्हीकल होते थे वो जब रोड को क्रॉस करते थे इधर उधर, तो यहां से ये जो स्ट्रेट एजेस, यहां पर जो बीच में ये जो किनारा, ये शार्प लाइन जो बन जाएगी, इससे उन्हें रोड को यानी कि लेन चेंज करने में दिक्कत होती थी, लेन चेंज करने में दिक्कत होती थी, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर दिया, यहां से हमने कह दिया कि भाई बीच का जो पार्ट है वो पैराबोलिक प्रोवाइड कर दो। तो ये रिकमेंडेड हो गया कि यहां से यहां तक जो एजेस हैं यहां पर स्ट्रेट प्रोवाइड कर दो और बीच में पैराबोलिक प्रोवाइड कर दो, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत, तो याद रखिएगा ड्रेनेज के हिसाब से पूछा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन, ड्रेनेज के हिसाब से पूछा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन। और अगर हाई स्पीड मूविंग व्हीकल के हिसाब से पूछा जाएगा तो पैराबोलिक, और ओवरऑल बोला जाएगा तो आपका कॉम्बिनेशन। अगर सीमेंटेड होता है तो सीमेंटेड पर स्ट्रेट लाइन ही देते हैं, क्योंकि वहां पर हमें कैम्बर जो है वो बहुत कम देना पड़ता है, कैम्बर जो है वो बहुत कम देना पड़ता है। अगला सवाल,
अच्छा इंटरव्यू में पूछा गया था आपसे, वेरी गुड। आपका रिजल्ट कैसा रहा सर यूपीपीएससी यही का? अरे भाई साहब बड़े समय बाद याद आई आपको पूछने की। बेटा फ्लूड के सेशन तो हो गए ना, आप सेकेंड टाइम होंगे। द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट। तो सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए अभी आपको बताया क्या, स्ट्रेट लाइन। सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि 1.7 से 2% ही देना होता है, बहुत कम देना होता है, तो स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड कर देते हैं, नो नीड ऑफ पैराबोलिक। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल। एक्सेसिव कैम्बर ऑन पेवमेंट्स मे कॉज। ठीक है, तो कैम्बर अगर बहुत ज्यादा होता है तो वर्म्स, जो पेवमेंट है उसके साइड में जो कच्ची मिट्टी होती है उसको वर्म बोलते हैं, तो पानी का मूवमेंट बहुत फ्लो थोड़ा सा तेज हो जाता है, तो उससे जो है जो वर्म्स होते हैं उनका इरोजन होने लगता है। ठीक है, उनका इरोजन होने लगता है। ठीक है, डी आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि अगर आप सी को ध्यान से पढ़ेंगे, स्लिप ऑफ द स्पीडी व्हीकल्स टुवर्ड्स द मिडल। तो बेटा अगर कैम्बर बहुत ज्यादा होगा तो इस बात को ध्यान में दीजिएगा, तो जो जो स्लिप होगा वो मिडल की तरफ नहीं होगा, वो साइड में होगा। ठीक है, तो मिडल में नहीं होगा, साइड्स में होगा। इसमें सी गलत है, सी गलत है तो ये भी नहीं गलत होगा। सो जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका बी। आप कुछ कह सकते हैं कि सर डिटेरिएशन ऑफ सेंट्रल पोर्शन, ये भी तो हो सकता है। तो बेटा उसके लिए तो हम लोग क्या कर देते हैं, बीच वाले पार्ट को क्या कर देंगे, पैराबोलिक प्रोवाइड कर देंगे, तो इससे तो बचा जा सकता है इससे। लेकिन अगर ये हाई होगा तो जो वाटर यहाँ जाएगा और फिर जो वर्म पर जाएगा तो यहाँ इरोजन करेगा। अभी क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन ऑलरेडी दो बार करवाया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था इसमें अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो गलती कर सकते हैं। अगला सवाल बिल्कुल सही बात। हाँ जी, आया आंसर। इन एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल अ स्टेट हाईवे ऑफ हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस विद 4 लेन्स 14 मीटर वाइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द क्राउन ऑफ द रोड रिलेटिव टू द एजेस फॉर अ कंपोजिट। दैट इज मिडल हाफ एज पैराबोलिक एंड रेस्ट एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो टोटल कितना है, 14 मीटर है, तो ये आप ले लोगे 7 मीटर,
और उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप ये राइज निकाल दो, पैराबोलिक पोर्शन का आप छोड़ दो, पैराबोलिक पोर्शन का आप छोड़ दोगे तो अभी चलेगा। तो कितने का है आपके पास? इन एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल अ स्टेट हाईवे ऑफ हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस विद फोर लेन्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द क्राउन ऑफ द रोड। ठीक है, तो हम लोग हाई रेनफॉल को लेके चलेंगे, उसके लिए आपका कितना होता है 2% का कैम्बर होता है, कितना होता है 2% का, 2% का। ठीक है, तो 2% का कैम्बर का मतलब है, 2% का कैम्बर का मतलब है कि 100 मीटर में कितने का राइज है 2 का, तो 1 में कितने का होगा 2/100 का, तो 7 में कितने का होगा 2/100 × 7, ये मीटर में, ये मीटर में, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, आंसर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, दिलीप वो थिन विटुमिनस में होता है, थिन विटुमिनस, ये आपका थिक विटुमिनस है, हाई टाइप, ये हो गया। इसका दूसरा तरीका ये भी था, वाई बराबर पैराबोला की इक्वेशन भी लगा सकते थे, 2x² / nw, यहां से करके देख लो तो 1 in 50, 2% मतलब 1 in 50। ठीक है, 2% मतलब, आई थिंक नाउ ओके, अभी ठीक हो गया? अभी ठीक हो गया है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रिटार्डेशन इन मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.36 इज अलाउड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल। ठीक है, सुनील यादव जी ध्यान रखिए, तो बेटे रिटार्डेशन होता है आर बराबर, वो होता है म्यू जी, म्यू इंटू जी कह लो या एफ इंटू जी कह लो, एफ इंटू जी, जी इंटू एफ मत लिखना नहीं तो ध्यान भटक जाएगा, एफ इंटू जी। तो एफ कितना दे रखा है आपको 0.36, 9.81 की जगह 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी आंसर जो है वो लगभग यही आएगा, यही आएगा, रिटार्डेशन होता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इसको, फॉर्मूला कहां से बनता है बेसिकली, तो आप जानते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती थी जीरो, और यहां पर ये क्या हो जाता था, आप सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है, अगर हमने कर रखा था कि जो वर्क डन होता है फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स होता था एफ एम जी इंटू एल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो बेसिकली ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स, यह सबसे आसान है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ, वो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स लिख दूं एफ बराबर स्मॉल एफ इंटू एम जी। ठीक है, तो F बराबर आप क्या लिख सकते हो, M इंटू एफ जी। अब आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, एम ई, तो यहां पर क्योंकि निगेटिव है तो आप इसको माइनस साइन लगा सकते हो, कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का F इंटू जी, यही रिटार्डेशन है, यहां से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल। अच्छा, क्या कह रहे हो, सिविल वाले हो, जीएफ का मतलब नहीं पता।
ग्राउंड फ्लोर पता है, अच्छा हाँ सिविल वाले हैं, इसने ग्राउंड फ्लोर पता है, ठीक है बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल, द विड्थ इन मीटर ऑफ टू लेन्स विदाउट रेज्ड कर्व, विदाउट रेज्ड कर्व, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, विदाउट रेज्ड कर्व में 7 मीटर और रेज्ड कर्व में 7.5 मीटर, ये पूरी टेबल आपको थोड़ी देर पहले बताई गई थी सिंगल लेन के लिए, विदाउट रेज्ड कर्व इंटरमीडिएट मल्टी लेन पेवमेंट, बहुत रिपीट होता है। अगला सवाल, अगला सवाल, सात एकम सात, चलिए बहुत बढ़िया। रोडवे विथ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, रोडवे विथ क्या होता है, विथ ऑफ कैरिज वे प्लस शोल्डर विदाउट मीडियन, तो 2.5 किलो का शोल्डर इधर, 2.5 किलो का शोल्डर इधर, और ठीक है, और विदाउट रेज्ड मानोगे यहां पर ना, हाईवे है तो ये कैरिज वे हो जाएगा, इधर ये शोल्डर, तो 2.5 2.5 और ये 7 7 और 5 हो गया 12, तो आंसर इसका कितना आता था 12। हरियाणा वाले भी 5 5 ऑप्शन दे रहे हैं, 5 5 ऑप्शन, बहुत बढ़िया। तो ये एक और टेबल आ गई, मेरे ख्याल से हाईवे में कुछ ज्यादा ही टेबल्स हैं, हाईवे में कुछ ज्यादा ही टेबल है। सो रोडवे विड्थ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, टू लेन्स के लिए, तो नेशनल हाईवे के लिए देख लीजिएगा आप, प्लेन एरिया में 12, हिली में 8.8, ठीक है, यहां पर विड्थ ऑफ शोल्डर कितना 2.5 मीटर लिया गया, स्टेट हाईवे के लिए 12, हिली में कम कर दिया गया 6.25, शोल्डर विड्थ 2.5 है। एमडीआर के लिए नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, प्लेन के लिए 9, इसके लिए था, तो कम से कम आप नेशनल और स्टेट दोनों के लिए याद रखिएगा, यहां तो 12 रहेगा बट हिली एरिया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाईवे, चलिए अगला सवाल, फोन का वॉलपेपर बना के रटो ऐसे, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, डेली एक एक वॉलपेपर चेंज करते रहो। फिर से बफरिंग होगी क्या, अब तो सही चल रहा है भाई, ठीक है। इक्वेशन फॉर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, तो प्लेन और रोलिंग के लिए कितना होता है, सी 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है भैया 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर, वी क्या है यहां पर केएमपीएच में, अगर मीटर पर सेकंड में होता तो देख लेना शायद 35 वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, अगर मीटर पर सेकंड में होगा तो, मीटर पर सेकंड में होगा तो, हाँ ठीक है, अगर वी मीटर पर सेकंड में लेंगे तो 35 वी स्क्वायर अपॉन आर, और केएमपीएच में तो 2.7 वी स्क्वायर अपॉन, किसके लिए, प्लेन और रोलिंग के लिए, हिली के लिए सिंपली वी स्क्वायर अपॉन आर, हिली और स्टीप के लिए सिंपली वी स्क्वायर अपॉन आर, कैपिटल वी स्क्वायर, कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये भी याद रखना यहाँ पर, ये राणा चक्रवर्ती से याद आया, ये रिया चक्रवर्ती कहाँ है आजकल, ठीक है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर यहां पर याद रखिएगा, वी जो है वो केएमपीएच में होता है, केएमपीएच में, अच्छा, और अगर इसमें लेंगे हम तो मीटर पर सेकंड में तो 12.96 देखते हैं, ठीक कह रहे हो, ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन इतना ज्यादा डेटा याद रखने से अच्छा है कि इतना ही याद रख लो, है भी सीधा सीधा, है भी सीधा था, मैं यार भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, मेरे को भी इतना डेटा होता है, क्या क्या याद रखूँ मैं। अगला सवाल,
दीपक राज इंतजार करो 15 मई या मई एंड तक, मई का तो इंतजार करो, पढ़ाई करते रहो बालक, वैकेंसी जब आएगी तब आएगी। और करने को है भी क्या, लॉकडाउन में करोगे भी क्या, पढ़ाई कर लो। इफ एन इज द एलजेब्रिक, इफ एन इज द एलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स, एस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस इन मीटर्स, द लेंथ एल ऑफ अ समिट कर्व। ठीक है, तो ये आपके पास जा रहा है प्लस एन वन, ये आपके पास है माइनस का एन टू। तो एलजेब्रिक समीशन मतलब एन बराबर होता है एन माइनस एन टू। ठीक है, तो आपको मालूम है ये एन एस स्क्वायर अपॉन टू 4.4। लेकिन एजम्पशन क्या लेकर चलते हैं यहाँ पर, कि जो लेंथ है कर्व की वो एस एस डी से ज़्यादा है। ठीक है, तब ये, लेकिन अगर एल सी लेस देन हो जाता है एस एस डी से तो क्या करते थे, एल बराबर 2s माइनस 4.4 अपॉन एन। ठीक है, शायद बांग्ला नहीं आती भैया, बांग्ला में लिख रहे हो। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ अ टेरेन इज 20% अकॉर्डिंग टू आईआरसी क्लासिफिकेशन, तो 0 से 10 तक के लिए था क्या प्लेन, और 10 से 25 के लिए क्या था रोलिंग। तो 20 है, 10 से 25 के बीच में तो रोलिंग हो गया, 25 से 60 होता तो माउंटेनियस, 60 से ज्यादा है तो क्या स्टीप। ठीक है, स्टीप रोजर प्लेन 0 से 10, रोलिंग 10 से 25, माउंटेनियस 25 से 60, स्टीप ग्रेटर देन 60। ठीक है भाई, तो जैसा बता रहा हूँ इसमें टेबल्स बना लो, बहुत काम किए हैं, बार 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 रिपीट होंगी। अगला सवाल, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस फॉर अ हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन फॉर अ स्पीड ऑफ 80 km/h गिवन द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एज इतना एंड इतना। तो भैया हमको फॉर्मूला मालूम है, ई प्लस एफ बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। सवाल में मजा तब आता जब आपको स्पीड नहीं दी होती, ये सवाल आपसे बोलता एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस बताओ और आपको स्पीड नहीं दी होती। तो याद रखिएगा, मिनिमम रेडियस के लिए डिजाइन स्पीड लेते हैं 100 km/h, और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए कितना लेते हैं, मिनिमम स्पीड लेते हैं, दैट इज 80। बट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम तो वैल्यू रख देंगे। और E की वैल्यू लेते 7%, F की वैल्यू लेते 0.15, लेकिन ये वैल्यूज भी दी हैं तो क्या कर सकते हैं, पुट कर देंगे 0.04 एंड दिस वैल्यू 0.16। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ भी गया आप लोगों का 251 point something, यानी कि 252 इज दी आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कीजिए आसान हो जाएंगी कैलकुलेशंस, प्रैक्टिस कीजिए यही चीज आसान हो जाएंगी। अगला सवाल, अगला सवाल, बल्कि मैं सही बताऊं ये दो वैल्यूज तो आप याद करके रखो, E प्लस F, मतलब आप E बराबर 7%, F बराबर 0.15 के लिए, R मिनिमम तो 100 का स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 127 टाइम्स 0.07 प्लस 0.15, ये वैल्यू याद करके रखो। और एब्सोल्यूट आर मिनिमम ये होगा 80 का स्क्वायर अपॉन 127 टाइम 0.07 प्लस 0.15, जो भी आई ये वैल्यूज, एग्जाम में कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा अगर ये वैल्यूज आपने याद कर रखी है, पूछता है एग्जाम में, तब स्टैंडर्ड डेटा के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेटा के लिए, खैर इसको करते हैं। एट हाईवे स्ट्रेचेस वेयर द रिक्वायर्ड ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन सच सेक्शंस इट इज नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट इट, तो जहां पर आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं दे सकते वहां आप इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस देते हो। इसका रीजन आपको बताया था
कि मान लीजिए यहां से ये कोई गाड़ी है और ये पीछे वाली जो गाड़ी है ये क्या कर रही है, इसको ओवरटेक कर रही है यहां। अब जब ओवरटेक करोगे तो ओवरटेक करने के लिए आप यहां पर आओगे। अब हुआ क्या, सामने से एक दूसरी गाड़ी आ रही थी जो आपको यहां से जब आप ओवरटेक कर रहे थे तो वो दिखाई नहीं दी, दिखाई नहीं दी मतलब प्रॉपर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं है। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अचानक से ये गाड़ी आपको आते हुए दिखाई दी। अब आपके पास इतना समय नहीं कि आप इधर लेके जा पाओ, क्योंकि अगर इधर लेके जाओगे तो उतने में ये यहां पहुंच चुकी होगी, आप इससे भिड़ जाओगे, यहां टकरा जाओगे। तो आपके पास ब्रेक लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप भी ब्रेक लगाओगे और ये जो सामने वाली गाड़ी आ रही है ये भी ब्रेक लगाएगी। तो एक्सीडेंट ना हो उसके लिए आप यहां तक रुक जाएं, तो आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और ये गाड़ी यहां तक रुक जाए इसकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगर ये दोनों डिजाइन व्हीकल हैं तो हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। लेकिन इस पर गेट में या इंजन सर्विसेज में बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है, वो ये कि अगर बच्चे इसने इस वाली सामने वाली गाड़ी की स्पीड दे दी, सामने वाली गाड़ी की स्पीड दे दी और इसकी भी स्पीड दे दी और रिएक्शन टाइम दे रखा है, तो आपने इसका एसएसडी अलग निकालना पड़ेगा, इसका एसएसडी अलग निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यहां पर आप डबल कर देते हो क्योंकि स्टैंडर्ड व्हीकल है, लेकिन अगर उसने आपको इन व्हीकल्स का डेटा दे दिया तो आप दोनों का कैलकुलेट करके क्या करोगे, ऐड करोगे। दोनों का कैलकुलेट करके क्या करोगे, ऐड करोगे। समझ गए बाल को, ठीक है? तो मालूम होना चाहिए कि डबल क्यों देते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रफनेस इंडेक्स, रफनेस इंडेक्स, हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद नाम राशि जितेंद्र जी, ठीक है। चलिए तो बेटा बम्प इंटीग्रेटर, ठीक है, तो जितनी सरफेस रफ होगी उसमें क्या होगा, राइज एंड फॉल होगा उतना ही ज्यादा, ठीक है? तो बम्प इंटीग्रेटर। अगला सवाल, अच्छा एसएससी जेई 19 में आया था, ओके। अ समिट कर्व इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ 3% अप ग्रेडियंट एंड 5% डाउन ग्रेडियंट। समिट कर्व है, ऊपर की ओर है ये प्लस का 3% और नीचे की ओर है ये 5%, तो ये माइनस का हो गया। टू प्रोवाइड अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 128 मीटर लेंथ ऑफ समिट कर्व, लेंथ ऑफ समिट कर्व आपने बतानी है। तो इस डेटा के बेसिस पर आप जो लेंथ ऑफ समिट कर्व निकालोगे, ठीक है, वो क्या निकालोगे, एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4। मानकर चलोगे कि लेंथ ऑफ कर्व जो है वो मोर देन एसएसडी है, ये मानकर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 में से 5 क्या 8, माइनस का ना 8%, तो 8/100 परसेंटेज में है ना, और 128 का स्क्वायर अपॉन 4.4 कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन देख के मालूम चल रहा है, क्या मालूम चल रहा है ऑप्शन देखकर, ये 128 मीटर है, यहां से क्या मालूम चल रहा है, अच्छा ये मालूम चल रहा है कि कर्व की लेंथ स्टॉपिंग डिस्टेंस से ज्यादा आएगी, ये भी बढ़िया, बिल्कुल अच्छा ऑब्जर्वेशन है, चेक करने की जरूरत नहीं, चारों के चारों ऑप्शन इससे बड़े हैं। तो सीधे आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है, 298, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही फॉर्मूला क्यों नहीं है, दो फॉर्मूले से फायदा क्या है सर? बेटा बात दरअसल यह है कि अगर गाड़ी जो है वो इस कर्व पर रुक जाएगी, जो फॉर्मूला डेराइव किया गया है वो ऐसे किया गया है कि यहां पर आपका कुछ स्लोप है, यहां से जाएंगे तो इससे एंगल आ जाता है, ये एंगल, और फिर हम लोग लगाते हैं एस बराबर आर इंटू थीटा। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम इस ग्रेडियंट से यहां जाते हैं तो जब आप कर्व पढ़ोगे तो कर्व पढ़ने से क्या होता है कि ये एंगल जितना होता है डेविएशन एंगल, वो इस एंगल डेल्टा के बराबर होता है। यहां से हमारे पास कर्व की लेंथ निकल कर आती है, ठीक है, कर्व की लेंथ निकल कर आती है। तो वहां पर अजम्पशन लेने पड़ेंगे कि एसएसडी आपको कर्व पर ही मिल जाएगी या कर्व की लेंथ छोटी पड़ जाएगी। तो वो डेरिवेशन में आपको जानना पड़ेगा कि दो फॉर्मूले अलग अलग क्यों आए, दो फॉर्मूले अलग अलग। हाँ भाई कल लेक्चर नहीं हुआ था कीर्तन जी,
ठीक है, संडे को नहीं हुआ करेगा यार, क्योंकि एक आध दिन हमें भी थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए और आप लोगों को भी रेस्ट मिलना चाहिए एक दिन आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, आगे का आपको शेड्यूल बता रखा है कि जनरली आपका क्या हुआ करेगा इस QRP बैच में, जो कभी कभी फॉलो नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा के लिए। इसमें आपकी 5 डेज प्रैक्टिस हुआ करेगी, 5 डेज चलेगा, संडे को आपका रेस्ट कहिए कहिए मेरा रेस्ट आपका रिवीजन, और मंडे को टेस्ट हुआ करेगा जो भी हफ्ते भर में होगा वो। जैसे अब आपके इस हफ्ते क्या रहेगा, आपका एनवायरमेंट, हाईवे और जो भी अगले 3-4 दिन जो भी सब्जेक्ट होंगे, तो संडे को आप वो सारा रिवाइज करेंगे और मंडे को उसका टेस्ट देंगे। ठीक है, ये करना है आपने। नहीं तो फिर इससे क्या होगा, जितना आप जो पैटर्न पर हम चल रहे हैं ना, आप QRP ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है सक्सेस के लिए। आप इसको फॉलो कीजिए और आप देखिएगा कुछ समय बाद आपको ऐसा ऐसे हो जाएंगे आप ना कि यार किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी समय कुछ भी पूछ लो। अभी तो होता है ना, अभी तो क्या होता है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही याद रहता है, बाकी भूल जाते हैं। आप 2 या 3 सेशन हो जाएं आपके QRP के, तो 2 या 3 सेशन मतलब विद इन 1 मंथ, 1 महीने में आपके 2 सेशन तो हो ही जाएंगे, 1-1.5 महीने के अंदर आप इस तरीके के हो जाओगे कि आपको जहां से मर्जी वहां से एट रेंडम सवाल पूछ ले, आप कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत अच्छे से ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, आप कोई भी टेस्ट कभी भी दे लो, तो इसको बहुत सिंसियरली लेके चलिए। और याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कोहली में और बाकी बैट्समैन में क्या फर्क है कि कोहली ने जितना कंसिस्टेंसी से रन बनाया उतना किसी ने नहीं बनाया। यहां पर क्या होता है कि शुरू में जब कोई सेशन स्टार्ट होता है ना, तो लाइव वॉचिंग बहुत रहती है, 150+, 200, 2-4 दिन में वही लाइव वॉचिंग, फिर 120-130, उसके बाद में वही लाइव वॉचिंग 100, फिर वही लाइव वॉचिंग 80-90। ये क्या दिखाता है कि बच्चे, इसी तरीके से आप व्यूज देखो, पहला सेशन जो QRP का जो व्यूज का होगा उसमें मान लो 4000 व्यूज है, अगला जो QRP होगा उसमें 3000 व्यूज होंगे, अगला जो होगा उसमें 2000 होंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, 3-4 दिन के बाद में वही नॉर्मल व्यूज रहेंगे आपके 800 से 1000 के बीच में। तो हो क्या रहा है कि जिसने ये देखा, पढ़ाई तो वो भी कर रहा है, लेकिन इन द एंड सिंसियरली लॉन्ग टर्म में जो है वो केवल 800 से 1000 बच्चा फॉलो करता है। तो सिंसियरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंसियरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो एंड तक बना रहता है, क्योंकि देखो मान लो मैं कह रहा हूं लाइव नहीं आ पा रहे, लेकिन जो बच्चे लाइव नहीं आ रहे वो डेली का सेशन डेली तो देखे हैं, वो डेली देखते ही नहीं है, एक दिन देखा फिर 2 दिन नहीं देखा फिर चलो देख लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा है, कॉम्पिटिशन कम हो रहा है, फिर वही बच्चे बाद में कंप्लेन करते हैं कि सर पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैं कहता हूं अगर मजबूरी है, पहली बात तो लाइव आओ, क्योंकि लाइव आकर एक टेस्ट वाली फीलिंग आती है। चलो आप लाइव नहीं आ रहे तो सेम डे का ये QRP वाला सेशन, आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, QRP आपने डेली सेम डे देखना है। आप मेरे को देखते हो कि जनरली मैं कितना भी बिजी होता हूं, ठीक है, कितना भी बिजी होता हूं, लेकिन अगर फिर भी कोशिश करता हूं भागते दौड़ते कैसे भी करके क्लास कर लूं। फॉर एग्जाम्पल आज का ही है, जैसे आज ये मेरे नवरात्रे हैं, ठीक है, आज अभी फास्ट ओपन नहीं किया क्योंकि आपकी क्लास के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं पहले क्लास लेना जरूरी है, खाना बाद में खा लेंगे, है ना, तो आए जल्दी से इवेंट बनाया, बिल्कुल 5 मिनट 2 या 3 मिनट रह गए थे फिर आपकी क्लास ली। सोचो हम भी ऐसे ही हो जाएं यार, ठीक है आज क्लास लेंगे कल को नहीं लेंगे और इस तरीके से करने लगेंगे, फिर क्या होगा। तो कंसिस्टेंसी, तो स्टूडेंट पॉइंट आपकी तरफ से भी क्या है, कंसिस्टेंसी रहे, सिंसेरिटी रहे, डेली का सेशन डेली अटेम्प्ट करो, नोट्स बनाओ जहां से क्वेश्चन से कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है, वहां से आप सीखिए। ठीक है, चलो अगला सवाल, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड फॉर अ रोड 7.5 मीटर वाइड ऑन अ कर्व 240 मीटर रेडियस फॉर अ परमिसिबल स्पीड ऑफ 80 km/h व्हेन द प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील्स।
विल बी इक्वल, ठीक है, चले। हाँ, एक तरीके से फ्री की टेस्ट सीरीज है आपकी, और इस हिसाब से चल भी हो भी जाता है, मोटिवेशन बना रहता है बाकी लोगों के साथ में। तो देखो, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए क्या हो जाता है, आप फ्रिक्शन को जीरो मानकर चलते हो, ठीक है। तो E प्लस F बराबर होता है आपके पास V स्क्वायर अपॉन RG। V क्या है आपके पास, KmPH में, तो आप इसको कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 127 R लिख सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कर देते हैं जीरो। तो सारी के सारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसको कौन रजिस्ट करेगा, सुपर एलिवेशन, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा जो आंसर है आपका, ये तो हो नहीं सकता किलोमीटर में, सेंटीमीटर ये भी नहीं हो सकता। वैसे सही बताऊं, ठीक है, ए और बी में से देखते हैं, ए और बी में से, ठीक है। हालांकि ए भी बहुत ज्यादा है, 1.5 मीटर, लेकिन हमें देखना पड़ेगा जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। पिचकुल पता नहीं कौन सा है। अब देखिएगा सुपर एलिवेशन ई, तो इसको आप लिख सकते हो कैपिटल ई अपॉन बी बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127 R। तो एक्चुअल में कितना राइज हो रहा है, ये हाइट आपको निकालनी है, हाइट आपको निकालनी है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 127 R और इनटू बी, ये आएगा मीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आ रहा है आंसर। विड्थ दे रखी है 7.5 मीटर, रेडियस दे रखी है आपको, स्पीड दे रखी है, तो 157 ये आ जाएगा। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है सौरभ जी की, पंजाब का ही होगा, ठीक है, PTCUL। चलिए, क्लियर है, आंसर आ गया सभी का, वेरी गुड। केवल वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। अगला सवाल, इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्व एंड एल इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड शिफ्ट ऑफ द कर्व इज शिफ्ट, तो सबको मालूम है इसका आंसर, तो एल स्क्वायर अपॉन 24 R होता है, बस एक रिवीजन के लिए ले आए इसको। अगला सवाल, इफ कोफिशियंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन F बराबर 0.15 एंड सुपर एलिवेशन E बराबर 0, देन सेफ ट्रेवलिंग स्पीड, देन सेफ ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस R बराबर 153 मीटर, ठीक है। तो E प्लस F बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन RG। E की वैल्यू जीरो कर दो तो V बराबर हो जाएगा अंडर रूट में फर्जी, यानी कि एफ आर जी, ठीक है। तो अंडर रूट फर्जी कर दो आप, एफ आर जी कर दो, F की वैल्यू आपको मालूम है, R मालूम है, G मालूम है, सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई, क्लोज वैल्यूज हैं 10, 12, 13, सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर कितना आ रहा है, 10 तो नहीं आ रहा यार, 10 तो नहीं आ रहा, 15 आ रहा है आंसर, 15, 15 आएगा, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल 15। अगला सवाल, अ डिस्ट्रिक्ट रोड विद अ बिटुमिनस पेवमेंट हैज अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 1000 मीटर फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 75 KmPH, द सुपर एलिवेशन इज, सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो जब हम लोग को सुपर एलिवेशन डिजाइन करना होता है, बेटा इसमें 127 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी है, ठीक है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है इसलिए 127 नहीं लगाया। अगर स्पीड KmPH में निकालनी होती तब 127 लगाते, ठीक है, इसने 127 नहीं लगाया यहां पर। अभी सुपर एलिवेशन डिजाइन करने का क्वेश्चन है, तो सुपर एलिवेशन डिजाइन करते तो क्या करते थे, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 225 R, 75% स्पीड के लिए डिजाइन करते थे। तो ये रहेगा 75 × 75/225 × 1000, यहां से निकाल लीजिएगा। और कौन सी रोड है,
डिस्ट्रिक्ट रोड विथुमिनस पेवमेंट, ठीक है, टेरेन नहीं मालूम, बट फिर भी हम कहेंगे इट शुड बी लेस देन 7%, 7% से कम आता है तो ठीक है, तो 2.5% आ रहा है, आंसर है 2.5%, 2.5%, तो 2.5% मतलब 2.1/40, तो इसके सीधे सीधे 1 in n की फॉर्म में निकाल लो, यहां से कर लीजिएगा, ठीक है, और वैसे करेंगे तो आपका आएगा 2.5%, 2.5% का मतलब हो गया 0.0025, यही हुआ ना, नहीं 0.025, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 25/1000, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, चलो ऐसे कर लीजिए। अगला सवाल, क्या हुआ, क्या कर दिया दिलीप ने, दिलीप ने क्या कर दिया, दिलीप भाई साहब इस बार सिलेक्शन लेके जाना, दिलीप को समझ गए, उसने ठान रखा है कि इस बार टॉप मुझे ही करना है, अब बस नजर ना लगे ऐसे करता रहे लड़का, ही सिलेक्शन ले जाएगा। सर को दिखता नहीं है मेरा वाला कमेंट, नहीं सर का सिलेक्शन हो गया इस वजह से नहीं है, एक्चुअली थोड़ा हर समय थोड़ा आईज में और हेड में, आईज में पेन, हेडेक, थोड़ा सा मेंटल मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी बन गई है, बस जल्दी से सही हो जाइए। चलिए, व्हाट इज द लिमिटिंग ग्रेडियंट रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस फॉर रोड्स इन प्लेन टेरेन, प्लेन टेरेन में लिमिटिंग ग्रेडियंट, ठीक है, लिमिटिंग, तो आपको इसका तरीका बताया था, ठीक है, प्लेन और रोलिंग के लिए, फिर माउंटेनस के लिए, फिर इसके लिए, ये प्लेन एंड रोलिंग के लिए था, फिर इधर था आपके पास आर एल ई, रूलिंग लिमिटिंग, रूलिंग लिमिटिंग एंड एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, तो फिर मैंने बोला था यहां लिख देना 5, यहां लिख देना 6, यहां लिख देना 7, ठीक है, 5, 6, 7, ये 7 किसका एवरेज होगा, 6 का और 8 का, तो यहां 6, 7, 8, ये 6 किसका एवरेज होगा, तो 5, 6, 7 का, और ये 5 जो एवरेज होता था वो होता था 6.7 एंड 3.3 का, 3.3 का। अब आपसे क्या पूछा, लिमिटिंग पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है, प्लेन और रोलिंग के लिए लिमिटिंग कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अगला सवाल, नहीं तो लिमिटिंग वाला तो सीधे 5, 6, 7 याद रखो, लिमिटिंग तो 5, 6, 7 है ही, खाली लिमिटिंग है तो 5, 6, 7 है ही आपके पास, ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, व्हीकल हैज अ बेस ऑफ 6.5 meter, व्हाट इज ऑफ ट्रैकिंग व्हाइल नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड पाथ ऑफ मीन रेडियस इतना, तो ऑफ ट्रैकिंग यानी कि L² / 2R, L² / 2R, ये एफ ऑफ ट्रैकिंग हो जाएगी, वैल्यू रख दीजिए। आईज में प्रॉब्लम, मुझे भी कुछ बताइए, अभी तो मैं अपनी आईज का कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हर समय पानी बहता रहता है आंखों से,
बस फिलहाल आई ड्रॉप डाल रहा हूँ, लेकिन आई ड्रॉप डालने से जितना फ़ायदा होता है ये स्क्रीन और ये लाइट उतना ही गड़बड़ कर देती है। ठीक है, तो भैया एल दिया हुआ है आपके पास, तो 6.5 का स्क्वायर अपॉन 2 आर, आर इज 32। ठीक है, वैल्यूज रखिए, आंसर पाइए कितना आ रहा है, डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब डी आ रहा होगा। अगला सवाल, वाइल अलाइनिंग अ हिल रोड विद अ रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, वाइल अलाइनिंग अ हिल रोड विद अ रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 60 मीटर इज एनकाउंटर्ड, फाइंड द कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट एट द कर्व। ग्रेड कॉम्पनसेशन आपने आपसे पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेड कॉम्पनसेशन, बहुत तेज है दृष्टि लगा तो लें, लेकिन वाइल अलाइनिंग अ हिल रोड विद अ रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 60 मीटर इज एनकाउंटर, फाइंड द कॉम्पन, पहले ग्रेड कॉम्पनसेशन निकालो। तो ग्रेड कॉम्पनसेशन जो होता था कितना होता, 30 + R/R होता था, बट दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 75/R। तो आपको दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली निकालनी पड़ेंगी, कितना है 60 मीटर है, तो 30 और 60, 90/60 निकालो और इधर 75/60 निकालो, ये वैल्यू निकाल कर देखो। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये आएगी आपके पास 1.5 और ये वैल्यू आएगी 1.25। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने का ग्रेड कॉम्पनसेट कर सकते हो, 1.25 का, और कॉम्पनसेटेड ग्रेड 4% से कम नहीं होना चाहिए। तो 6 में से 1.25 माइनस किया तो 4.75 आ गया, जो कि 4 से ज़्यादा है, इसने यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन को यूज करके कैसे करेंगे, अच्छा कॉम्पनसेटेड 4%, हाँ ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, बट ए और बी में तो आपको डाउट रहेगा ना, ए और बी में तो डाउट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अंकिता जी आप कह रहे हैं कि सर जो न्यू स्टूडेंट एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन शुरू किए हैं उनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, उसके लिए एक वीडियो बनाइए प्लीज। चलिए बिल्कुल देखते हैं, बाकी आप लोग विजन, जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो विजन बॉय बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, विजन बैच इसकी फी है आपकी 3000 रुपीज, ये 1 ईयर बैच है आपका, 1 ईयर बैच है, इस 1 ईयर बैच में आपका थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। अब इसका फॉर्मेट ऐसा है कि जो थ्योरी होगी आपको भी मालूम है एसएससी जेई में भी सब कुछ आ रहा है ना, आजकल सब कुछ आ रहा है, तो जो थ्योरी चलेगी वो आपकी सबकी कॉमन होगी। ठीक है, कॉमन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस अलग से करवाए जा रहे हैं, गेट के क्वेश्चंस अलग से होंगे, मतलब थ्योरी आप इसमें पढ़ोगे, ईएससी के क्वेश्चंस आपको अलग से मिलेंगे, गेट के क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे, एसएससी जेई मेंस का कन्वेंशनल इसी के अंदर आपको फ्री मिल रहा है, इसके डेमो भी पड़े हुए हैं, जैसे कल भी एक डेमो डाला था उसके अंदर आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं, ये सब कुछ आपको मात्र 3000 रुपये में मिल रहा है। और जिनको केवल एसएससी जेई मेंस लेना है वो 1000 रुपीज पे कर सकते हैं, जिनको ईएससी प्री लेना है वो भी 1000 कर सकते हैं। सर विजन में सोम कब से स्टार्ट होगा, बस 2-4 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, आई ड्रॉप का नाम है ऑप्शन हाई, अच्छा हाँ 9 बजे तक होगी क्लास, 9 बजे तक होगी। चलिए पहले सवाल को कर लेते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द व्हीकल इज 6 मीटर, रेडियस ऑफ द कर्व इज 400 मीटर्स एंड द स्पीड इज 50 km/h, एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर 4 लेन। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकाल ली आपने, निकाल ली होगी, लेंथ दे रखी है, स्पीड देखो km/h में, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है एन एल स्क्वायर अपॉन 2R प्लस कैपिटल V अपॉन 9.5 अंडर रूट R। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब वेलोसिटी किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है, बाकी सब मीटर में।
और यही फॉर्मूला आपके पास बन जाता है एन एल स्क्वायर अपॉन टू आर प्लस स्मॉल बी अपॉन 2.64 अंडर रूट में आर, जब स्पीड किस में है, मीटर पर सेकेंड में। हाँ एस एस सी जे मेन्स ई एस सी मेन्स तक वैलिड कर देना, हाँ वैलिड रहेगा, चिंता मत करो, ठीक है वैलिड रहेगा। विजन बैच फ्री कर दीजिए, अब तो आप ए ही बन गए, अभी कहाँ ए ही बन गए भैया, बनने दो अभी, पहले सैलरी तो आने दो उसके बाद देखते हैं। लेकिन फ्री में कोई फ्री की चीज़ के ना मैं बता रहा हूँ आपको, आप फ्री कर दूंगा आप ही ढीले पड़ जाओगे, नहीं पढ़ोगे, ठीक है 100% फ्री जो है वो उसकी वैल्यू नहीं होती। What will be the length of transition curve of a road with radius of curvature 50 meter and design speed of 60 kmph as per rate of change of centrifugal acceleration formula? What will be the length of transition curve of a road with radius of curvature 50 meter and design speed of 60 kmph? हाँ नहीं फ्री नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो पेमेंट रहेगा। सर पैसे नहीं है, इतने बैच कैसे ज्वाइन करें? बेटा इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब सोचे ना मेडिजी वगैरह, इनकी तो लाखों की फीस है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जबकि मैक्सिमम चीजें वही रहेंगी। चलिए तो भैया ट्रांजिशन कर्व की जो ये होता है v³/rc फॉर्मूला, v³/rc फॉर्मूला होता है जहां पर जो स्पीड है वो आपके पास मीटर पर सेकंड में होती है, और यही फॉर्मूला l बराबर होता है आपके पास कैपिटल v³/46.5rc। आप इसको ऐसा भी याद कर सकते, तो 0.0215 v³/rc जो आपको उचित लगे वो आप याद रख लीजिए। बस जरा इन दोनों फॉर्मूलों का फायदा ये होता है कि वेलोसिटी kmph में होती है, तो एग्जाम में कैलकुलेशन थोड़ी सी जरा आसान हो जाएगी आपके लिए, आसान हो जाएगी, ठीक है। अब आपको लेंथ निकालनी है, वेलोसिटी मालूम है, रेडियस मालूम है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है, आपको सी नहीं मालूम। तो सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 80/75+b। यहां पर ऑप्शन नहीं है, यहां पर वेलोसिटी आपको kmph में रखनी है, और ये जो सी की वैल्यू आती है 0.5 से 0.8 के बीच में रहनी चाहिए, कहाँ रहनी चाहिए, 0.5 से 0.8 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। तो पहले C की वैल्यू निकाल लो, फिर वहां पर अभी फिलहाल क्या से चल तो YouTube पर ही रही हैं, लेकिन उन्हीं को वही देख पाएंगे जिन्होंने पेड बैच लिया है। तो पहले बेटा वेलोसिटी वाली में सी की वैल्यू निकालिए, सी की वैल्यू आएगी 0.59, जो कि 0.5 और 0.8 के बीच में, उसको यहाँ रखो, बल्कि यहाँ नहीं रखकर उसको यहाँ रखो इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। सी की वैल्यू आप यहाँ रखो, आर की वैल्यू रखो, वेलोसिटी रखो, आंसर पाओ। और देखो वैल्यूज बहुत दूर दूर है, इसलिए आप इसको 0.02 भी ले सकते हो या 0.022, बल्कि एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए आप इसको 0.022 भी रख सकते हो, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। चंद प्रताप सैनी सर नमस्ते, आने की नमस्ते या जाने की नमस्ते, अच्छा प्रवीण सर को नमस्ते कर रहे हो क्या, मैंने प्रवीण सर को देखा नहीं। अच्छा हाँ चलिए, प्रवीण सर की भी क्लास का टाइम हो रहा है एक्चुअली, ठीक है तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। और यूट्यूब पर प्रवीण सर क्लासेस ले रहे हैं आपके नॉन टेक की, ठीक है दो क्लासेस डेली चल रही हैं, टी टी क्यू थ्योरी थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है आप इन सेशन को भी जरूर अटेंड करो,
सर एक यूनिक तरीके से जीएस लेके चल रहे, मेरे ख्याल से इस तरह से जीएस यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, क्योंकि सर क्या कर रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के इधर उधर की जितनी भी थ्योरी है वो आपको सब बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अरे मेरा ध्यान इधर था ना क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीन से हट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 मीट्स अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50। अगेन वही हो रहा है, ये आपके पास एक असेंडिंग ग्रेडियंट है 1 in 100 का, और ये फिर डिसेंडिंग ग्रेडियंट है 1 in 50 का, 1 in 50 का, और इनके बीच में क्या लगाना, द लेंथ ऑफ समिट कर्व, समिट कर्व आपने लगाना है। रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ओवरटर्निंग साइड, ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगा ऑफ 500 meters, ओएसडी आपको दिया हुआ है, ओएसडी आपको दिया हुआ है, तो ओएसडी के हिसाब से आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ओएसडी के हिसाब से एल की वैल्यू मानकर चलोगे कि जो लेंथ है वो कर्व की लेंथ ओएसडी से ज़्यादा ही मानकर चलेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर दो ऑप्शन कम वाले भी हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन कम वाले भी, लेकिन चलो मानकर चलेंगे कि ज्यादा है एल की वैल्यू ओएसडी से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, एन एस स्क्वायर अपॉन 9.6, एन एस स्क्वायर अपॉन 9.6 आपने लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, बी आ रहा है 781। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल हम लोग अभी हाईवे के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, हाईवे के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। अभी देखो यार, क्योंकि राउंड वन कर रहे हैं ना, राउंड वन में स्किप क्वेश्चंस स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फिर फायदा नहीं होगा। अब मेरा आइडिया ये था कि जो भी हमने मतलब सारे फॉर्मूलों पर एक एक क्वेश्चन तो हो जाए, है ना। तो आपने देखा होगा क्वेश्चंस की वैरायटी है, लगभग हर तरीके का एक एक क्वेश्चन पिक किया है, फिर भी कमी रह जा रही है। तो कल भी अभी हम लोग हाईवे ही करेंगे, जो सेकंड राउंड होगा ना वो आपका पर डे वन डे फिक्स हो जाएगा, वन डे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि सेकंड राउंड तक के लिए फर्स्ट राउंड में हम काफी चीजें कर चुके होंगे, ठीक है। अब जैसे ये सब फर्स्ट राउंड में करा दिया, तो अगर मैं सेकेंड राउंड में इनमें से कुछ मिस भी कर दूंगा तो मैटर नहीं करेगा, मैटर नहीं करेगा, कल का टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है, कल का टाइमिंग यही रहेगा। कल हाईवे, हाँ, जितना हाईवे बचा है वो, और उसके बाद में टाइम मिलता है तो कुछ क्वेश्चंस रेलवे के, टाइमिंग वही 7:30, ठीक है, टाइमिंग वही 7:30, ठीक है। चलो मैं देख लूंगा अपने हिसाब से, हाईवे प्लस रेलवे या हाईवे प्लस सर्वे, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, जो मेरे को सही लगेगा। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। अच्छा एक बात यार, मैं मतलब सब लोग अपना प्रचार करते हैं, मैं ही भूल जाता हूँ, ठीक है, कम से कम, हाँ, सब लोग भर भर कर ऐड देते हैं और हम बिल्कुल ऐड नहीं कर पाते अपना। तो यार आप लोग ही हमारे जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हो, आप लोग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है। तो अपने मित्रगणों को, स्पेशली जिन्होंने बैच लिया है, जो कॉलेज गोइंग है, जो थर्ड ईयर में या कॉलेज के फोर्थ ईयर में है, जो लोग कॉलेज के थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, कल हाईवे ही नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल से हाईवे पूरा हो पाएगा, क्योंकि मैं पेवमेंट वाला का, कल ट्रैफिक इंजीनियरिंग और प्लस पेवमेंट दोनों उसी में हो जाएंगे 40-50 क्वेश्चन। तो स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए बैच बहुत अच्छा है ये, है ना, वन ईयर बैच। तो आप लोग रिकमेंड करो अपने फ्रेंड्स को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो कॉलेज गोइंग आपके जूनियर्स वगैरह हैं, ठीक है। हाँ अभिषेक आनंद जी, एक ही सब्जेक्ट हो पाएगा, एक ही सब्जेक्ट हो पाएगा, ठीक है, कल हाईवे, हाईवे ही हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक इंजीनियरिंग है अभी, है ना, फिर पेमेंट भी है, यही काफी हो जाएगा। चलिए गुड नाइट एवरीवन, आज के लिए इतना ही।